जाने क्यों जाते हैं लोग गया धाम, क्या है रहस्य। नमस्कार, स्वागत है आपका माई ज्योतिष पे। वैसे तो श्राद्ध कर्म या तर्पण करने के लिए भारत में कई स्थान हैं, लेकिन पवित्र फल्गु नदी के तट पर बसे प्राचीन गया शहर की देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पितृपक्ष और पिंडदान को लेकर अलग पहचान है। पुराणों के अनुसार पितरों के लिए खास आश्विन मास के कृष्ण पक्ष या पितृपक्ष में मोक्ष धाम गया जी आकर पिंडदान एवं तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और माता पिता समेत 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। पितृ की श्रेणी में मृत पूर्वजों, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी सहित सभी पूर्वज शामिल होते हैं। व्यापक दृष्टि से मृत गुरु और आचार्य भी पितृ की श्रेणी में आते हैं। कहा जाता है कि गया में पहले विभिन्न नामों के 360 वेदियां थी जहां पिंडदान किया जाता था। इनमें से अब 48 ही बची हैं। यहां की वेदियों में विष्णुपद मंदिर, फल्गु नदी के किनारे और अक्षयवट पर पिंडदान करना जरूरी माना जाता है। इसके अतिरिक्त वैतरणी, प्रेतशिला, सीताकुंड, नागकुंड, पांडुशिला, रामशिला, मंगला गौरी, कागबली आदि भी पिंडदान के लिए प्रमुख स्थान हैं। यही कारण है कि देश में श्राद्ध के लिए 55 स्थानों को महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें बिहार के गया का स्थान सर्वोपरि है। आइए जानते हैं इसके 5 मुख्य कारण। गयासुर नामक असुर ने कठिन तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि उसका शरीर देवताओं की तरह पवित्र हो जाए और लोग उसके दर्शन मात्र से पाप मुक्त हो जाएं। इस वरदान के चलते लोग भयमुक्त होकर पाप करने लगे और गयासुर के दर्शन करके फिर से पाप मुक्त हो जाते थे। देह दान देने के बाद गयासुर के मन से लोगों को पाप मुक्त करने की इच्छा नहीं गई और फिर उसने देवताओं से वरदान मांगा कि यह स्थान लोगों को तारने वाला बना रहे। तब से इस स्थान को मृतकों के लिए श्राद्ध कर्म कर मुक्ति का स्थान बन गया। कहते हैं कि गया वह आता है जिसे अपने पितरों को मुक्त करना होता है। लोग यहाँ अपने पितरों या मृतकों की आत्मा को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। मतलब यह कि प्रथा के अनुसार सबसे पहले किसी भी मृतक को तीसरे वर्ष श्राद्ध में लिया जाता है और फिर बाद में उसे हमेशा के लिए जब गया छोड़ दिया जाता है तो फिर उसके नाम का श्राद्ध नहीं किया जाता। कहते हैं कि गया में श्राद्ध करने के उपरांत अंतिम श्राद्ध बद्रिका क्षेत्र में ब्रह्म कपाली में किया जाता है। गया क्षेत्र में भगवान विष्णु पितृ देवता के रूप में विराजमान रहते हैं। भगवान विष्णु मुक्ति देने के लिए गदाधर के रूप में गया में स्थित रहते हैं। गयासुर के विशुद्ध देह में ब्रह्मा, जनार्दन, शिव स्थित है, अतः पिंडदान के लिए गया सबसे उत्तम स्थान। पुराणों के अनुसार ब्रह्म ज्ञान, गया श्राद्ध, गौशाला में मृत्यु तथा कुरुक्षेत्र में निवास, ये चारों मुक्ति के साधन हैं। गया में श्राद्ध करने से ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्वर्ण की चोरी, गुरु पत्नी गमन और उक्त ससंग जनित सभी महापातक नष्ट हो जाते हैं। धन्यवाद।